नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक होम्योपैथिक लीवर टॉनिक के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है लीवर टॉनिक, SBL कंपनी की लिफ्टी लीवर टॉनिक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या कॉम्पोजिशन डाला हुआ है, क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन डली हुई है, फिर बताऊंगा कि इसके डोजेज आपको कैसे लेने हैं, फिर बताऊंगा कि ये किस किस चीज़ों में काम आती है, फिर बताऊंगा कि इसकी MRP और इसकी पैकेजिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके कंपोजिशन, इसके अंदर क्या क्या डला हुआ है। तो मैं थोड़ा सा उठा लेता हूँ। तो ये आपको ऐसे लीवर टॉनिक मिलेगी, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लिफ्टी आपको इस पैकेजिंग में ऐसी मिलेगी। और इसके कंपोजिशन में सबसे पहली मेडिसिन है क्रेडस। और क्रेडस, अगर आपको स्प्लीन की प्रॉब्लम है, मतलब स्प्लीन इनलार्जमेंट होता है, स्प्लीन आपकी बढ़ जाती है, तो क्रेडस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और क्रेडस मदर टिंचर आपको स्प्लीन इनलार्जमेंट में लेना चाहिए। और दूसरी मेडिसिन है चिलीडोनियम। तो चिलीडोनियम लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जिनको भूख नहीं लगती और फैटी लीवर है, तो उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और फैटी लीवर में काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स आपको चिलीडोनियम के मिल जाएंगे। गॉल ब्लैडर स्टोन में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसके चिलीडोनियम के मिल जाएंगे। तो तीसरी मेडिसिन के तरफ जाते हैं। तो तीसरी मेडिसिन है एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा। तो एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा मदर टिंचर जो होती है, वो लीवर के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर आपको लीवर फैटी हो या स्लगिश लीवर हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया हो और अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, मतलब बाइल साल्ट और जो उसका काम है वो डाइजेशन की आपको प्रॉब्लम रहती है, तो एंड्रोग्राफिक पेनिकुलेटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, खासकर जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है और IBS की प्रॉब्लम रहती है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है, तो एंडोग्राफिक पेनिकुलेटा बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और ये मेडिसिन लिफ्टी में डली हुई है, मदर टिंचर फॉर्म में डली हुई है। और फिर एक मेडिसिन है टेरेक्सकम, और टेरेक्सकम भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मैंने इसका इफेक्ट मोस्टली अपेंडिसाइटिस में देखा हुआ है, तो अपेंडिसाइटिस के केसेस में इसके बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ में जिसको बहुत ज़्यादा गैस बने, पेट एकदम से फूल जाए, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो, जो अपेंडिसाइटिस के सिम्टम्स लगभग रहते हैं, उसमें ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है। और ये भी मदर टेचर में डली हुई है। फिर एक मेडिसिन है इसमें SBL की लिफ्टी में, पोडोफाइलम मदर टिंचर। तो पोडोफाइलम मदर टिंचर जो है, वो अगर आपको लूज मोशंस होते हैं, बार बार आपको जाना पड़ता है, लूज मोशंस होने हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मतलब डायरिया और लूज मोशन के लिए पोडोफाइलम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पेट में अगर मरोड़ रहता है, मतलब आपको टेनेसमस रहता है, मरोड़ बहुत ज़्यादा रहता है पेट में, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पोडोफाइलम। और उसके बाद है APCOX। तो अगर आपको उल्टी वगैरह आती है या मितली आती है, मतलब नौजिया होता है या वोमिटिंग होती है, तो इसके लिए APCOX बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और APCOX का एक सिम्टम होता है, मैं आपको बता दूँ कि उसकी जीभ बिल्कुल साफ हो और ग्लॉसी हो, मतलब चमकदार जीभ हो, और उसके साथ बहुत ज़्यादा उल्टी आए और नौजिया हमेशा बना रहे, मतलब उल्टी जैसा उसको लगता है, तो आपको APCOX 30 दे देना चाहिए। इसमें APCOX मदर टिंचर डली हुई है, मदर टिंचर APCOX की डली हुई है। तो बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है इसका, क्रेडस है, चिलीडोनियम है, एम्ब्रोग्राफिक है, हाइड्रस्टिस है, टेरेक्सटम है, और उसके बाद पोडोफाइलम है और APCOX है। और लिफ्टी बहुत ही इफेक्टिव है। अब चलते हैं, सबसे इसके कॉम्पोजिशन तो हो गया, अब चलते हैं इसकी MRP कितने की आती है। और MRP ये 80 रुपीज़ की लिफ्टी आती है, सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल है। तीन फाइल में आपको मिलेगी मोस्टली। सबसे पहले ये रहती है 115 ml की, 115 ml की लगभग 80 to 85 rupees की रहती है। और फिर एक रहती है 180 ml की, तो 180 ml की 105 या 110 rupees की आपको लिफ्टी SBL की मिल जाएगी सभी होम्योपैथिक शॉप में। और एक रहती है 450 ml की, और वो लगभग आपको 250 से लेकर 275 तक, इतनी एवरेज। किसी के यहाँ थोड़ा पुराना रहा तो 250 की, किसी के यहाँ थोड़ा नई रही तो 275, इतना एवरेज आपको रेंज आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगा। तो तीन पैकेजिंग में आती है, 115, 180 और 450 ml, तो ये तीन में आती है। और चलिए इसके अंदर क्या है, तो पहले थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो सिर्फ एक 150 ml की फाइल है और ऐसी ये दिखती है लिफ्टी की, और ये बहुत ही इफेक्टिव है दोस्तों। और चलिए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इफेक्ट रहता है। तो सबसे पहले, अगर आपको फैटी लीवर है तो लिफ्टी बहुत ही इफेक्टिव है। फिर अगर आपको जॉइंटिस है तो लिफ्टी बहुत ही इफेक्टिव है।
अगर आपको एपेटाइट मतलब भूख बहुत कम लगती है तो लीफ टी बहुत इफेक्टिव है। और मैं अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है, मेरे पेशेंट्स को अगर गैस की प्रॉब्लम होती है तो मैं रेगुलरली लीफ टी उनको प्रिस्क्राइब करता हूँ बाकी मेडिसिन के साथ। तो लीफ टी गैस के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है क्योंकि इसमें हाइड्रेस्टिस वगैरह डली हुई है जिससे गैस के लिए काफ़ी इफेक्टिव ये हो जाती है मेडिसिन। और चिलीडोनियम वगैरह बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है गैस के लिए। तो दोस्तों बस इतना ही है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जस्ट रेड कलर का नीचे है तो उसको दबा दीजिए, और उसके बगल में एक बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियोज आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो रेगुलरली मिलते रहेंगे। और लिफ्ट भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है तो उसको आप अगर आप घर पे रखेंगे और कोई भी गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो आप ले लीजिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और इनडाइजेशन और लूज मोशन वगैरह के लिए भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो घर पे रखना चाहिए ये टॉनिक, और इसकी एक्सपायरी काफ़ी लंबी रहती है तो आप घर पे रख सकते हैं, 5 साल की एक्सपायरी है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करना भी, लोगों को बताना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।